प्रिय कैप्टन सुनील छेत्री। आशा है आपको मेरा ये पत्र समय रहते मिलेगा। आज सुबह जब इंस्टाग्राम खोला तो फीड पर सबसे पहले आपका वीडियो मिला। वीडियो देखकर हृदय भावुक हो उठा और मन अशांत। क्यों ना होता, 19 साल लंबा सफर अचानक से खत्म हो जाए तो शॉक तो लगता है। मानता हूं कि करियर आपका है और इसे कब खत्म करना है ये फैसला भी आपका ही होगा, लेकिन ये सफर आप अकेले का नहीं था। 12 जून 2005 ये तारीख आप और हम कभी नहीं भूलेंगे। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच और डेब्यू हुआ एक ऐसे सितारे का जिसने अपने डेब्यू मैच में गोल मारकर भारतीय फुटबॉल की बुझती लौ को किसी जंगल की आग की तरह भड़का दिया। एंड रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। बीते 19 सालों में जब जब आप फील्ड पर भारत की जर्सी पहनकर उतरे तो आपके साथ फील्ड पर थी 125 करोड़ भारतीयों की आशाएं और दुआएं। मुझे याद है कैसे आपके एक अनुरोध पर पूरा स्टेडियम भारतीय समर्थकों से भर गया था। आपने खुद भी तो अपने वीडियो में माना है कि जिस तरह का प्यार और सम्मान आपको मिला है फैंस से, वैसा शायद किसी दूसरे खिलाड़ी को नहीं मिला है भारतीय स्पोर्ट्स इतिहास में। मेरे लिए इंडियन फुटबॉल का दूसरा नाम ही है सुनील छेत्री, और क्यों ना हो। इंटरनेशनल फुटबॉल में रोनाल्डो मेसी के बाद नंबर ऑफ इंटरनेशनल गोल्स स्कोर्ड की लिस्ट में नंबर 3 पर आप जो हैं। 150 मैचेस, 94 गोल्स, पद्मश्री से सम्मानित 6 बार IAF प्लेयर ऑफ द ईयर, AFC कप, 2008 में चैलेंज कप, 2011 और 2015 में SAFF चैंपियनशिप, 2007, 2009 और 2012 में नेहरू कप और 2017-18 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप। वाओ, आपकी टीम और आपने ये सब जीता है और जीता है हमारा दिल। बट स्टिल देर आर मैनी मोर मैचेस टू प्ले एंड मैनी मोर गोल्स लेफ्ट टू स्कोर ओनली इफ यू डिसाइड टू स्टे। इस युवा भारतीय टीम के सबसे अनुभवी और सबसे फिट खिलाड़ी हैं आप। स्टैमिना, एंड्योरेंस, विजन, हर डिपार्टमेंट में यू हैव लेड विद एन एग्जाम्पल। और आज जब वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के बीच में आपने टीम छोड़ने का निर्णय लिया है तो हां, शौक धूम है, क्योंकि जब बाईचुंग भूटिया रिटायर हुए तो सुनील आप थे, और अब जब आपने रिटायर होने का फैसला लिया है तो अब अगला कौन होगा हमारा नंबर 11? नहीं पता। मेरी बातें थोड़ी सेल्फिश साउंड कर रही होंगी, पर बात जब देश की हो तो हां, मैं सेल्फिश हूं। जब कोई आइकन रिटायर होता है तो अकेले रिटायर नहीं होता, उसके साथ उसके फैंस भी रिटायर हो जाते हैं। ना जाने कितने ही फैंस हैं जिन्होंने सचिन तेंदुलकर के रिटायर होने के बाद क्रिकेट ही देखना बंद कर दिया। एंड अगर आपके रिटायरमेंट के बाद इंडियन फुटबॉल के साथ भी ऐसा हो तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आपके साथ साथ मेरा और मेरे जैसे कई इंडियन फैंस का बचपन भी रिटायर होने वाला है। चाइल्डहुड, बॉयहुड से लेकर अडल्टहुड तक आपको हीरो माना, आपसे इंस्पिरेशन ली। आपका वो फेमस इंटरव्यू भी याद है जिसमें आपने कहा था कि हमारे देश में जब तक कोई हीरो नहीं बनता उसे कोई सपोर्ट नहीं करता, और जब वो हीरो बन जाता है तो सब उसे सपोर्ट करने पहुंच जाते हैं। और आप तो हमारे हीरो थे, हैं और रहेंगे। ऐसा नहीं है कि टीम इंडिया के लिए सपोर्ट कम हो जाएगा, वो तो साल दर साल बढ़ता रहेगा, लेकिन आपके लीडरशिप के अभाव में खेल देखने में या खिलाड़ियों को खेलने में वो मजा आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं इस ओपन लेटर से भारतीय टीम का मनोबल गिराना नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूं कि आपकी लीडरशिप में हम फीफा वर्ल्ड कप में खेलें। मगर ऑनेस्टली हमारी टीम को अभी काफी लंबा सफर तय करना होगा, और इस सफर में दिशा निर्देशन के लिए आपकी जरूरत है कैप्टन। इसीलिए आपसे अनुरोध करूंगा कि एटलीस्ट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए रुक जाइए। जून 6 को इंडिया वर्सेस कुवैत, और उसके बाद जून 11 को कतर वर्सेस इंडिया,
मैं समझ सकता हूं आप अपने फेवरेट होम ग्राउंड सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में आखिरी अलविदा कहना चाहते हैं, लेकिन इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी अभी तैयार नहीं है इस ब्रेकअप के लिए। सो कैप्टन, प्लीज डोंट लीव। आशा है आप मेरे इस पत्र और अनुरोध को तवज्जो देंगे। अपने इस ओपन लेटर को एंड करते हुए मेरे मन में पोएट वॉल्ट विटमैन की कुछ लाइंस आ रही हैं। ओ कैप्टन, माय कैप्टन, आवर फियरफुल ट्रिप इज डन, द शिप हैज वेदर्ड एवरी रैक, द प्राइज वी सॉट इज वन, द पोर्ट इज नियर, द बेल्स आई हियर, द पीपल आर एक्सल्टिंग, व्हाइल फॉलो आईज द स्टेडी कील, द वेसल ग्रिम एंड डेयरिंग, बट ओ हार्ट, 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 ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज फॉलन कोल्ड एंड डेड, ओ कैप्टन, माई कैप्टन, राइज अप एंड हियर द बेल्स, राइज अप, फॉर यू द फ्लैग इज फ्लंग, फॉर यू द ब्यूगल ट्रिल्स, ओ कैप्टन, माई कैप्टन, प्लीज डोंट गो। टू एवरीवन हु इज नॉट अ फुटबॉल फैन, please come and watch us. Two reasons. Number one, it's the best game in the world. And number two, we play for our country. We'll make sure that once you come to watch us, you will not go the same person back home.